नमस्कार एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में गरीबों को बांटे जाने वाला 1628 टन मक्का पशु आहार बन गया है, जहां इसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वेयरहाउस में रखे इस मक्के में इल्लियां भी पड़ गई हैं। मामले में वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई होने ना होने से मक्का सड़ गया। वहीं यदि यह मक्का कुछ दिन और यहां पर रहा तो पशु आहार के लायक भी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ये मक्का पिछले 5 साल से वेयरहाउस में रखा हुआ है, जहां पर करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत का 1628 टन मक्का 2016 और 17 से इस्तेमाल में नहीं लिया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यदि इस मक्के को पशु आहार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचेगा। हमारे 2016-17 से जिले के अंदर रखा हुआ 1628 टन माल रखा हुआ है और इसकी कई बार अपन 12-13 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसमें लगभग 3.26 करोड़ की इसकी वैल्यू खिलाफ हो रहा है। क्या है, सरकार ने उपार्जन किया था लगभग 22 लाख कुंटल मक्का का, तो उस समय लगभग आधे मध्य प्रदेश में अपने यहाँ से मक्का गया है। जो लगभग 1600 मैट्रिक टन जो बच गया था उसके बाद वो मक्का का वितरण नहीं हुआ है। अब उसको बेचने के लिए अधिकार हमारे पास नहीं है, उसके लिए भारतीय खाद्य निगम की टीम आती है, वो उसकी जांच करती है, DCC कहलाती है। उसमें वो मानव के खाने योग्य है कि पशु के खाने योग्य है या विनिष्टीकरण योग्य है, वो जब चेक कर देंगे उसकी रिपोर्ट देंगे भोपाल को, तो भोपाल से उसका ऑक्शन होगा या टेंडर होगा, जो भी होगा जिला स्तर से उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता। लगातार हर 6 महीने में 4 महीने में लगातार चिट्ठी जाती है एफसे वालों के बीच में, आगे एक बार ट्राई भी किया, कुछ चेक किया, फिर कुछ स्टैक रह गए, तो वो प्रोसेस चल रही है सरकार की तरफ से, पर अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ उसमें। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहाँ एक तरफ तो तमाम जो किसान हैं उनकी फसलें खरीदने के बाद आखिरकार सही उत्पादन उसका हो ये फैसला किया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा में ये तस्वीर साफ बयां करती है कि 1600 से ज्यादा टन का मक्का पशु आहार आखिर क्यों बन गया, सवाल तो खड़ा होता है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस बात की जानकारी आपको कैसे लगी कि मक्का इतनी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुका है और वहां पर लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? जी राजकुमारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे जानकारी लगी कि 2016-17 से लगभग 1600 मैट्रिक टन मक्का वेयर हाउस में रखा हुआ है जी। तो हमने जब उसकी जांच की तो वहां पाया गया कि मक्का एकदम सड़ गया है, इल्लियां लग गई है उसमें। फिर उसके बाद जो वेयर हाउस के प्रबंधक है उनसे हमने संपर्क किया, उनसे उनका जानना चाहा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये 2016 से यहाँ मक्का रखा हुआ है और नागरिक आपूर्ति जो विभाग है इनका हेड ऑफ होता है उसको उन्होंने लगभग 13-14 बार चिट्ठियां लिखी, सूचना दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई सुध नहीं ली जी। मुकेश, क्या लगता है कि किसकी गलती हो सकती है? जिस तरीके से आपने बताया कि नागरिक आपूर्ति विभाग से कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, या फिर यूं कहें कि यहाँ पर प्रशासन के जरिए जो नागरिक आपूर्ति विभाग है उसकी ज्यादातर लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल यही अपन कह सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इसके तरफ, ना ही जो अनाज बंटना था गरीबों में उसको बिल्कुल नहीं बांटा, और ऊपर इनका कहना है कि शिकायत हमने ऊपर भोपाल पहुंचाई है लेकिन भोपाल से भी कोई इनको रिप्लाई नहीं आया जी। किसी उच्चाधिकारी जी मुकेश, किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने इस बारे में? जी, इनके जो नागरिक आपूर्ति के जो है त्रिपाठी जी, मुकुल त्रिपाठी, इनसे भी बात कर, उनका भी कहना यही पड़ा कि हमने भी ऊपर प्रयास किया है, ऊपर सूचना दी है कि यहाँ पर 1600 मीट्रिक टन लगभग मक्का रखा हुआ है जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए आती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भी कुछ सुध नहीं ली। बिल्कुल, 5 साल का समय मुकेश बहुत होता है, क्या लगता है कि इस 5 साल के बीच आखिरकार क्यों प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम जो विकास के कार्य हैं वो तो लगातार गति से आगे बढ़ रहे हैं, तेज गति से, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके के मामले, चूंकि किसान से संबंधित ये मुद्दा है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि अब तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहें या फिर अधिकारी या फिर कर्मचारी, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जी सरकार, सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं अपन की सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। सरकार बिल्कुल अपने जो प्रशासन है उसको जाकर उस पर फोकस नहीं है, उनका दबाव नहीं है किसी प्रकार का, कि जो अनाज बटना चाहिए था गरीब किसानों में जी वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है,
जो किसी काम का नहीं बचा, और उनका कहना यहाँ तक था कि आने वाले समय में ये पशु आहार के लायक भी नहीं बचेगा। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, फिर से जुड़ेंगे आपसे, फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर गरीबों को बांटे जाने वाला 1600 से ज्यादा टन का मक्का पशु आहार बन गया है, उसमें इल्लियां भी पड़ गई हैं। मामला इसलिए भी इतने ज्यादा तरीके से उजागर हो रहा है क्योंकि यहां पर 1600 से ज्यादा टन मक्के का मामला है। चूंकि यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर जो मामले होते हैं उसके चलते हम उसे सुधारने का, निराकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब खुद के ही प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो वहां पर नजर क्यों नहीं डालते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। चूंकि 5 साल का समय बहुत होता है और वेयरहाउस में रखा हुआ इतना ज्यादा टन मक्का आखिरकार किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सौर नजर क्यों नहीं पड़ी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। 2016-17 की बात करें तो यहां पर इस्तेमाल की इनमें नहीं लिया गया था। वही अब हमारे साथ किसान ईश्वर सिंह जुड़ गए हैं। ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी जी, धन्यवाद। ईश्वर सिंह, क्या लगता है आपको, एक किसान है, किसान होने के नाते अगर इतने ज्यादा 1600 से भी ज्यादा टन मक्का खराब हो जाता है और पशु आहार का उसमें अब इस्तेमाल किया जाना है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? बिल्कुल, ये तो ऐसा है, किसानों से जब खरीदी करते तो समय भी लापरवाही करते हैं। जी, और अभी गेहूं खरीदी में भी यही हुआ कि किसानों का गेहूं भिगा दिए और बाद में उसको रिजेक्ट कर दिए कि आपका गेहूं ठीक नहीं है। जी, तो ये तो जो अधिकारी बैठे हैं इन लोगों की लापरवाही है, ये तो सरकार का भी नुकसान है। और जी ईश्वर जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 साल का समय बीत चुका है, 2016-17 में भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, अधिकारी कर्मचारियों से लेकर जब नागरिक आपूर्ति विभाग से भी बात करने की कोशिश की गई तो उनका भी कुछ ठीक रवैया सामने नहीं आया, क्या लगता है कहां गलती हुई है? नहीं, एक्चुअल क्या है कि ये जो नागरिक आपूर्ति वाले हैं ज्यादातर तो ये लोग परेशान करते हैं कि कभी बारदाने नहीं, कभी इनका जो ट्रांसपोर्टिंग का मामला ये गड़बड़ हो जाता है और इससे किसान को भी नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है। जी ईश्वर जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके चलते अब जनता भी परेशान होती नजर आती है। एक तरफ तो समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलें खरीदी जाती हैं, दूसरी तरफ अगर फसलों को खरीदा जाता है तो कहीं ना कहीं गरीबों को बंटवाने का जिम्मा भी सरकार को लेना चाहिए, लेकिन इस बीच क्या ऐसी समन्वय की कमी आ रही है जिसके चलते, चूंकि आप किसान हैं तो आपको इस मामले में ज्यादा कुछ जानकारी होगी कि आखिरकार क्यों प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही? नहीं, अब ये तो प्रशासनिक लापरवाही है और इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको अच्छा खाद्यान्न गरीबों तक पहुंचाना, वो उनकी लापरवाही है इस मामले में। जी ईश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से लापरवाही तो यहाँ पर कर्मचारियों के सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उच्चाधिकारियों पर शिकंजा कसा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्च नेता जो होते हैं उनका भी संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है, शायद यही एक कारण है कि अभी तक या फिर आज तक इन नेताओं पर या फिर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चूंकि छिंदवाड़ा में 1600 से ज्यादा टन का मक्का जो है वो पशु आहार इसलिए भी बन गया है क्योंकि 2016 से और 17 से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। 5 साल का समय बीत चुका है लेकिन इसके बाद भी इस और किसी का कोई ध्यान नहीं, मक्के को पशु आहार के रूप में भी अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि अगर पशु आहार के रूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचेगा, बड़ा सवाल, क्योंकि जब गरीबों में इसको बांटा जाना था तो आखिरकार इतने समय बाद भी गरीबों में इस मक्के को क्यों नहीं बांटा गया? चूंकि अगर गरीबों में बांटा जाता तो कहीं ना कहीं प्रशासन का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और शायद आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों को जरूरत थी जब इस मक्के की तो उनको भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं गरीबों को बांटे जाने वाला जो मक्का है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी सवाल उठते हैं इस मुद्दे पर क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं वो किसानों से जुड़े हुए होते हैं। चूंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों को खाने पीने या फिर खाद्यान्न सामग्री की, जब 2 साल से कोरोना के समय में भी अगर इस मक्के का वितरण नहीं किया गया तो सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस बारे में सुध क्यों नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि अगर ये मक्का गरीबों में बांटा जाता, कोरोना काल की स्थिति में यहाँ पर असहाय लोगों में बांटा जाता, तो शायद उनको भी यहाँ पर एक ऐसी सहायता मिलती जिनको बहुत ज्यादा उनको उनकी जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद भी मक्के का वितरण नहीं किया गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर नागरिक आपूर्ति विभाग से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ ठीक रवैया भी उनकी तरफ से सामने नहीं आया, ताकि ये आश्वस्त कर सकें कि आखिरकार इस मक्के का जो उपयोग है वो सही ढंग से क्यों नहीं किया गया है। धूल तक ये मक्का खा रहा है तो इल्लियां लगना तो दूर की बात है, क्योंकि अधिकारी जो है वो 5 साल से इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। वेयर हाउस में 5 साल यानी कि 2016-17 से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर अधिकारी कर्मचारी किसी को भी इस मक्के की उपलब्धता करवा देते तो शायद इतना ज्यादा टन मक्का आज खराब होने की स्थिति में नहीं आता। एक तरफ तो प्रशासन कई वादे करती है कि आखिरकार जो किसान है उनका जो किस फसल है वो समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि ज्यादातर जो मक्के की धान है या फिर मक्के की फसल है उसको निर्मित कर तमाम जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनमें बांटा जाएगा। लेकिन आज तक यानी कि 5 साल का समय बहुत होता है, और उस बीच एक भी अधिकारी कर्मचारी की अगर इस ओर नजर नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि एक भी अधिकारी अगर यहां पर सुध लेने के लिए आता तो शायद इतने टन मक्का आज खराब नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी यहां पर कोई अधिकारी ध्यान देने नहीं आया। हमारे साथ प्रबंधक निगम आपूर्ति के मुकुल त्रिपाठी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, खबर है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां 1628 टन मक्का जो है पशु आहार का रूप में अब बदल चुका है, चूंकि वहां पर 5 साल के समय में किसी ने भी इस मक्के की ओर ध्यान नहीं दिया जो वेयर हाउस में रखा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे मामले में? सरकार का आवंटन मक्का का आना बंद हो गया है, इस वजह से वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका है, और जो मक्का है वो खाने योग्य नहीं है। उसकी भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की जाएगी, अगर वो वितरण योग्य होगा पशु आहार के लायक तो उसका नीलामी होगी, अन्यथा वो डिस्पोजल होगा। बात सर, ऐसा क्या कारण रहे, क्योंकि 5 साल का समय बहुत होता है, इस बीच किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1628 टन मक्का खराब होता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। जी हाँ, यहाँ पे 22 लाख क्विंटल की खरीदी हुई थी, लगभग सभी मक्का का वितरण हो गया है, 1628 मेट्रिक टन शेष रह गया है, और गवर्नमेंट से उसका आवंटन भी नहीं आया और रखे रखे सड़ गया। जी, क्या कारण रहे ऐसे कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, चूंकि 5 साल का समय, अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल तो अभी 2 साल से चल रहा है सर। हाँ जी जी, त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? वो उसका अब आवंटन ही नहीं, आजकल गवर्नमेंट ने बांटना बंद कर दिया, मक्का ना तो खरीदी हो रही ना वितरण हो रहा है। जी, तो इसमें गलती किसकी नजर आती है सर आपको? किसी की गलती नहीं है, वो सिस्टम है, जो ऊपर से आदेश आएगा तो बटेगा, अब आदेश ही नहीं है, ना आवंटन है तो कहाँ से बढ़ जाएगा वो। इस पर लेकिन किसी उच्चाधिकारी को ध्यान तो देने की जरूरत है ना, क्योंकि सर 5 साल के समय में भी अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, गरीबों को जिसकी जरूरत थी आज वो भूखे भूखी कगार पर आ चुके हैं, चूंकि कोरोना काल में अगर इसका वितरण होता तो शायद इतना टन जो मक्का है वो खराब भी नहीं होता। नहीं, उसमें क्या डीसीसी होती है, भारतीय खाद्य निगम की टीम आके जांच करेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी कि मानव उपयोगी है, पशु उपयोगी है, विनिष्टीकरण के योग्य है। उनकी रिपोर्ट के बाद फिर मुख्यालय स्तर से आर्डर होगा कि आगे क्या करना है। जी त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। चूंकि अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी आश्वस्त जवाब देने को तैयार नहीं, कारण सिर्फ इतना क्योंकि यहाँ पर किसी को भी सतर्कता का अभाव नहीं है, जागरूकता का अभाव नहीं है। क्योंकि 1628 टन मक्का अगर खराब होता है तो आखिरकार अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, ये सवाल उठता है। लेकिन इसके बाद भी कोई स्पष्ट या फिर तुष्टिकरण का जो मामला है उसमें स्पष्ट जवाब देना एक अधिकारी कर्मचारी का हक होता है, लेकिन इसके बाद भी गोलमोल जवाब देते हुए यहाँ पर जो नेता है वो सामने आते हैं, और साथ ही साथ प्रबंधक निगम आपूर्ति है उनका भी कुछ स्पष्ट जवाब इस मामले में सामने नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा 22 टन मक्का नहीं बल्कि 1628 टन मक्का का है। जिस तरीके से हमारे मुकुल त्रिपाठी जी से बात हुई, उनका साफ साफ कहना है कि 22 से भी ज्यादा टन मक्का जो है वो यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद सिर्फ 1628 टन मक्का बचा हुआ है।
जिसको बेचने के लिए कई अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो इसलिए भी नहीं बेच सकते क्योंकि सरकार की तरफ से इसके आवंटन का अभी तक आवेदन नहीं आया है और यही एक कारण है कि आज तक इस मक्के का भुगतान नहीं हो पाया और गरीबों में बांटे जाने वाला ये जो मक्का है वो आज सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है या फिर यूं कहें कि सड़ ही चुका है क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि अब इस मक्के को पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर उसे भी इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचेगा। 2017 और 2018 से लेकर 2021 तक इसका उपयोग किया जाना था लेकिन एक बार भी 1628 टन मक्के में इसका उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण ये जो मक्का है वो अब खराब होने की कगार पर आ गया। किसान, वो किसान जिसके चलते यहाँ पर तमाम फसलों का आवंटन किया जाता है लेकिन इसके बाद भी आखिरकार इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो किसान भी किस पर भरोसा करें। वही हमारे साथ प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के विजय अंबिकार जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। विजय जी क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर आई है जहां पर 1628 टन मक्का जो है वो पशु आहार बन चुका है, 5 साल का समय बीत चुका है लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, मैंने तो एक्चुअली अभी ज्वाइन किया था यहाँ 1 अप्रैल को जी और मेरे को 4 दिन में इसी टाइप का मक्का मिला है जी। और सतत हमारे द्वारा 12-13 पत्र मुख्यालय भोपाल और जबलपुर लिखे जा चुके हैं जी। सतत प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद भी हम उसका ट्रीटमेंट जारी है जी, सेल्फाइस वगैरह डाल के उसको। बिल्कुल सर, आप अभी पदस्थ हुए हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर किस गलती किसकी नजर आती है, चूंकि अगर यहाँ पर उच्च अधिकारी होते हैं, खाद्य निगम के आपूर्ति के विभाग के अधिकारी होते हैं तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? चूंकि गरीबों में बांटने वाला मक्का अगर इतनी ज्यादा तादाद में खराब होता है तो प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, नहीं खैर पक्का की एक्चुअली साल भर से ज्यादा की वो नहीं रहती है, मतलब साल भर के बाद इशू करवा देना था उसको जी। इस कारण का वो 2016 का है जी, उस कारण वो डिस्पोजल हो नहीं पाया उसका और गड़बड़ हो गई उससे जी। प्रबंधन निगम आपूर्ति के मुकुल त्रिपाठी जी से जब हमारी इस मामले में बात हुई सर तो उनका साफ साफ कहना है कि सरकार की तरफ से हमें आवेदन नहीं मिला इसको आवंटित करने का और यही एक वजह रही कि आज तक इसका आवंटन नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, मेन मुद्दा यही है जी, गवर्नमेंट यदि कंट्रोल दुकानों से इशू करवा देती तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती। क्यों नहीं करवाया सर गवर्नमेंट ने अभी तक, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना काल 2 साल में आया है पर 5 साल पुराना अगर ये मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी इस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो है वो सवाल लगाती हुई नजर आती हैं। हाँ। क्या कारण हो सकता है विजय जी? अब ये तो शासन ही जान सकता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप शासन की नीति है लेकिन अपना भी एक तर्क होता है कि आखिरकार इस मामले में किसकी लापरवाही सामने आती है, चूंकि अगर आप वहां पे पदस्थ हैं तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की सोच के जरिए से ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस मक्के का आवंटन क्यों नहीं किया गया, किसकी गलती नजर आती है? चूंकि सर अगर गरीबों में बांटा जाने वाला ये मक्का है और इसके खराब होने की स्थिति आ जाती है, इल्लियां लग जाती हैं सर इस तरीके से, अगर गरीबों में नहीं इसको बांटा जाता तो शायद जो गरीब हैं कोरोना काल में जो पछता रहे हैं कि आखिरकार हमें कुछ तो राशन मिले उनकी भी मदद हो सकती थी। ये तो FCI को देखना था और नागरिक आपूर्ति निगम जो अधिकारी है भोपाल में उनके सब नॉलेज में है, उन्हीं लेवल से वो डिस्पोजल होता उसका। नागरिक आपूर्ति विभाग से बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ स्पष्ट जवाब उनका सामने नहीं आया, वो भी इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। विजय जी जी, विजय जी कुछ तो कहिए। नहीं खैर, हम तो अब उसका ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, वहीं से जब डिस्पोजल होगा पता नहीं और कितने साल तक पड़ी रहेगी वो। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, स्पष्ट जवाब लेकिन आपके नजरिए से हमें नहीं मिला है क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं नए नए पदस्थ के तौर पर भी अगर आप एक नेता के तौर पर पदस्थ होते हैं और वरिष्ठ यहां पर प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में आपको पद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात में आपको बारे में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी बेशक होनी चाहिए क्योंकि यहां गलती किसकी नजर आती है। यहां पर अगर सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा ही यहां पर आवंटन के लिए आवेदन नहीं दिया गया तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा कि आखिरकार इतने ज्यादा मक्के का
जो उपयोग है वो गरीबों में नहीं बांटा गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल की स्थिति में अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे सकती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। खाद्य विभाग आपूर्ति का मुख्य मुद्दा होता है, नागरिक विभाग आपूर्ति का भी मुख्य ये काम होता है कि कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है वो निश्चित रूप से की जाए, समय समय पर की जाए, लेकिन इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो आखिरकार प्रशासन क्या करे। वही हमारे साथ एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 साल का समय बहुत होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जाती है तो पुलिस प्रशासन तो एक तरफ, लेकिन पुलिस प्रशासन कोरोना काल में जिस तरीके से काम करता हुआ नजर आया काबिले तारीफ है, प्रशासन से ऐसी क्या चूक हुई कि कोरोना काल में भी इस मक्के का आवंटन नहीं किया गया? जी, इनका कहना यही है मैडम कि ऊपर से ही, भोपाल से ही इनको निर्देश आवंटित के नहीं मिले हैं। बार बार इनसे जब पूछा गया तो इनका कहना यही पड़ रहा है कि हमें आवंटन का निर्देश नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? सीधा इनके जो दूसरों पे ये थोप रहे हैं जी, ये अपने ऊपर वाला अधिकारी को थोप रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश नहीं मिला। मुकेश, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय बाद जब एक बार फिर विकास की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है उस मुद्दे को लेकर, जिसके चलते जब गरीबों में किसी चीज को बांटा जाना है तो उस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपने काम को लेकर अवेयर नहीं है, सतर्क नहीं है, ये भी कहने में कोई लाज भी बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चूंकि आपको बता दें कि आज हम जनमुद्दे में बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर कई टन मक्का जो है वो खराब होने की स्थिति में सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि गवर्नमेंट से ये आवेदन आवंटित नहीं किए गए थे कि वहां पर जो गरीबों के द्वारा दिया, गरीबों को देने वाला जो मक्का है वो आवंटित किया जाए, और इसी वजह से आज इतना ज्यादा टन मक्का जो है वो खराब होने की स्थिति में आ गया है कि अब वो जानवरों को खाने लायक भी नहीं बचा है। और फिलहाल के लिए हमारे साथ के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।